जोहार। जय जोहार। हमारे सरना कोड, आदिवासी कोड और बहुत सारे, हम लोग आज कोड के बारे में जो एक लड़ाई और लोगों के दिल में आदिवासी समाज में एक अलग पहचान के लिए एक हम लोग काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आप उसमें सबसे आगे हैं। और अभी 20 सितंबर 2020 को जो एक मानव श्रृंखला तैयार करने की एक योजना किए हैं और उसका रूपरेखा क्या होगा और उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आदिवासी समाज और सरना समाज और पूरा विश्व में जो आदिवासी है उनको भी। मैं आपको जानकारी दे दूं सर कि पिछला जो विधानसभा सत्र चल रहा था उससे पहले भी हम लोगों ने विधानसभा के सभी पक्ष विपक्ष विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए और मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दिए और बातचीत भी किए मुख्यमंत्री से कि इसी सत्र में हम लोगों का जो वर्षों पुरानी मांग चल रही है ट्राइबल कॉलम की, धर्म कोड की, सरना कोड की, आदिवासी कोड की, आदि धर्म की, उसको पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और सदन को एक सप्ताह पहले स्थगित करना पड़ा, जो भी मजबूरी रही उस सरकार को, लेकिन फिर से मानसून सत्र आ रहा है। इस मानसून सत्र में जैसे अनाउंस हुआ 3 तारीख को, हम लोगों ने 4 तारीख को रांची के सरना भवन नगड़ा टोली में सभी सामाजिक संगठनों को मीटिंग बुलाए और एक रणनीति तैयार किए कि सरकार को कैसे हम लोग आगाह कर पाए, दबाव बनाए कि इस मानसून सत्र में पास करके हम लोग का जो पहचान का लड़ाई है, धर्म कोड का लड़ाई है, इसको दिल्ली केंद्र सरकार को भेजें। तो सर हम चाहेंगे कि इसे यहाँ पर नीचे से ऊपर तक सब अपना ही है, सरना धर्म के ही मानने वाला, सरना से ही रिलेटेड है, तो फिर भी हम लोग को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है या सरकार चाह रहा है कि ऐसा मतलब आप लोग भी कीजिए या कुछ क्या है उसके बारे में? सरकार में जो बैठे लोग हैं हम यही कह सकते हैं उनकी उदासीनता की रवैया है, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि आप देख लीजिए 8 तारीख का अखबार पढ़ के हमारे जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर राव जी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि इसी सत्र में सरना कोड, धर्म कोड बिल पास होगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है, फिर भी हम इतने में मानने के लिए तैयार नहीं। हमने पूरी तैयारी कर ली है और पूरा झारखंड में 20 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक मानव श्रृंखला बना रहे हैं। जितना भी नेशनल हाईवे है, मुख्य पथवे है, वहाँ जो भी संगठन है, जो भी उसका बैनर है, वो अपना डिमांड वाला तख्ती लेकर के, अपना बैनर लेके, अपना झंडा लेकर के वो सड़क पे आएंगे। सरकार अलग अलग जगह पर जी, अलग अलग जगह पे, और उसका मेन केंद्र कहाँ पर? सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। जैसे आप चानहों के हैं तो आप मांडर नहीं आना है, चानहों में ही आपको रोडे रोडे आना है। और इस बात का भरसक ख्याल रखना है कि सरकार ने कहा है कि 2 गज की दूरी, हम 5 गज की दूरी पे खड़ा रहेंगे। और सरकार को हमने ये भी आह्वान कर दिया है कि हम लोगों ने 9 से 12 का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दे दिया है, सचिव गृह विभाग को चिट्ठी दे दिया है, ताकि वो कल ना कहे कि हमको कोई जानकारी नहीं है कार्यक्रम के बारे में। और 12:30 बजे के बाद अगर किसी भी असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना होता है, इसका हम लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे। 12 बजे ये जो कार्यक्रम हम लोग का पूरा संवैधानिक और शांतिपूर्ण, मतलब पूरा सिस्टम के साथ, मतलब किसी को कोई दिक्कत ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आदिवासी हैं। आदिवासी है तो हम लोग आदिवासी शांत स्वभाव, शांत स्वभाव के लोग हैं और हम लोग किसी को दिक करना नहीं जानते हैं, खुद दिक्कत में रह लेते हैं। मानव श्रृंखला जो तैयार कर रहे हैं ये आप जान गए होंगे, आप भी इसमें मदद कीजिए और आप जहाँ हैं, जिस जगह पर है, जिस स्थिति में है, वहाँ एक दिन, मतलब 10 बजे से है ना, 9 बजे से 12 बजे तक इसमें आप मदद कीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। ये केवल व्यक्ति का नहीं, किसी एक का नहीं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, हम सबके लिए एक मांग है। अगर आप कहते हैं कि हम एक एक व्यक्ति, एक धर्म है, एक संस्कृति है, रीति रिवाज है, तो सबका फर्ज बनता है कि एक दिन समय दें और उस समय का बहुमूल्य उपयोग करते हुए अपना काम धंधा जो भी है उसको एक दिन, 2 दिन पहले ख़त्म कर ले और सुंदर सा एक मानव श्रृंखला जो तैयार कर रहे हैं अरविंद जी, इनका साथ दीजिए। ये आपका और हम सबका हित के लिए
ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हम सभी झारखंड वासियों से और झारखंड से जो बाहर भी काम कर रहे हैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप बाहर हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके परिवार वाले झारखंड में हैं तो आप उनको ज़रूर ये मैसेज भेजिए कि 20 तारीख का जो मानव श्रृंखला बन रही है उसमें ज़रूर से ज़रूर वो पार्टिसिपेट करें। तो सर जैसे अभी आपने ये बोला कि हाथ जोड़ के, तो क्या आपने लिए थोड़ी काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, ये समाज के लिए है। समाज के लिए है, ये हमारे धर्म के लिए है। जी। इसमें हाथ जोड़ने वाली चले आपका नम्रता है, ठीक है ना, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं फिर भी आप नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये जो अरविंद बाबू हैं इनको मदद कीजिए और ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ही आज हम लोग का समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, क्या सर? बिल्कुल, हाथ जोड़ने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारी संस्कार रही है जब हमसे कोई सीनियर होता है तो उनको हाथ जोड़ के ही अभिवादन किया जाता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े अच्छी संस्कार है हमारे। चलिए ठीक है, ये वीडियो देखिए और मैं फिर एक अगला बना रहा हूँ भाग, उसको भी देखिए, ये बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग छोटे छोटे भाग बना रहे हैं। चलिए।